कैलाश पर्वत पर आखिर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पांव? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, फिर भी क्यों कैलाश आज भी अजेय है? क्या सचमुच कैलाश पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार सहित निवास करते हैं? दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं। और आज हम बात करेंगे श्री कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की। दुनिया में ऐसी कई चोटियां हैं जहां इंसान के कदम कभी नहीं पड़े, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जहां नहीं चढ़ सके, कैलाश वो इकलौता पर्वत है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। फिर भी ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7,000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है? कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन पर बड़े बड़े वैज्ञानिक द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और यह शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के चार बिंदुओं जैसा माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही चार महान नदियों का उदय होता है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को चार अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के चार भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इन सबके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ दिशा सूचक यानी कंपस भी ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि चारों दिशाएं यहीं आकर मिलती हैं। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच दो झील स्थित है। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसी झील में शेषनाग पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। जबकि राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद मानसरोवर और राक्षस झील गुणों के मामले में एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं। मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जिससे ओम की ध्वनि प्रकट होती है। गर्मियों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है, तब डमरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। यदि आप भी कभी मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हो, तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक का होता है।
जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसके चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, जो आज भी एक अपवाद है। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन कभी भी कोई पर्वतारोही सफल नहीं हुआ। जब पर्वतारोहियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें कही। किसी ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, तभी आगे का रास्ता ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापिस चला जाता है। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमय दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।